नियतांक कहते हैं, ठीक है ना, स्टीफन नियतांक कहते हैं। ठीक, अब स्टीफन नियतांक कहते हैं, नियतांक का मतलब होता है कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का मतलब एक कॉन्स्टेंट वैल्यू। ठीक, तो इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू थी 5.67 × 10⁻¹⁸ ठीक है, वाट प्रति मीटर स्क्वायर है ना, वाट प्रति मीटर स्क्वायर केल्विन, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर केल्विन। स्टीफन का है वो वैल्यू 5.67 × 10⁻¹⁸ वाट मीटर स्क्वायर प्रति, ओ सॉरी, वाट प्रति मीटर स्क्वायर केल्विन, जब ये ऊपर जाएगा माइनस माइनस जब जाएंगे यहाँ पर ताप है मीटर स्क्वायर है, जब वो निकाल देंगे क्या कहते हैं उसको एम इनवर्स के इनवर्स, तो उसमें हो जाता है। ठीक, वाट प्रति मीटर स्क्वायर केल्विन हो, क्योंकि यहाँ पर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो बिजली जो आया जा जाएगी। ठीक, ये परमताप है, परमताप चीजों को होती है उनके विस्तार होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा e^c/e^4 ठीक है ना। अब e क्या होता है, ये ऊर्जा होती है, और ऊर्जा की जो मात्रा होता है वो क्या होता है, वाट प्रति मीटर, ये तो होता है। तो इसका वाट प्रति मीटर, इसका एक मात्रा क्या हो जाएगा, वाट प्रति मीटर स्क्वायर इनटू केल्विन, मैं नहीं मान रहा। तो ये स्टीफन का नियम है, इसे निकाल लो। समानुपाती अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक,
इन्होंने अपने दूसरे यूनिट में दिया। ठीक, अब इसको थोड़ा सा डेरिवेटिव है करना आपको बताऊं। ठीक, ए लैम्डा क्योंकि यहाँ मेरे सुनने आते हैं हमेशा से कि ए लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको पता ही है यहाँ पर भी एक नियतांक का उपयोग हो जाएगा। ठीक, मान लेते हैं एक नियतांक बन गया हमारा। ठीक, क्या नियतांक बन गया हमारा? अब टी, टी को हम चाहे अगर हम इसे यहाँ करते हैं इसे यहाँ करते हैं नियतांक के रूप में बराबर नंबर है कि तो लैम्डा अपॉन भाई ऐसा ले सकते हैं एक नियतांक हो गया और फिर ये कौन सा है उसको इस तरीके से आप मान लो अगर हम इसमें एक डी लैम्डा का फलन करते हम डी लैम्डा का फलन जब हम इसमें फलन करेंगे तो इसमें फलन हो जाएगा हमारा लैम्डा टी डी लैम्डा टी कह लो लैम्डा टी क्या है एक मिनट जो वहां पर है यहाँ है ना क्योंकि हम यहाँ पर इसको फलन करना है इसलिए हमको इस तरीके से इसको लिखना है। ठीक, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, इससे जब उन्होंने अपना वितरण वक्र चेक किया अपना वितरण वक्र चेक किया तो इससे कंप्लीट नहीं आया। ठीक है ना, इससे कंप्लीट नहीं आया, इससे आगे कंप्लीट आया, इससे केवल कंप्लीट आया है जब हम लैम्डा की वैल्यू जीरो से लेकर लैम्डा एम तक लैम्डा कैंसिल होता है वहां तक इनका जो जूनियम था ये कंप्लीट। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू जीरो से लेकर हम केवल ई मैक्सिमम तक जब हमने ई मैक्सिमम तक वैल्यू रखी तो ये जो फलन था और ठीक है ना इंटू डी ये इन्होंने एक नया रूप लिखा। ठीक, क्योंकि ये तो प्रक्रिया भी पड़ा था उस प्रक्रिया को उन्होंने इसको डेरिवेटिव करके एक नया रूप निकाला जिसमें सी वन और सी टू कॉन्स्टेंट क्या है कॉन्स्टेंट सी वन और सी टू सी वन यहाँ और सी टू सी वन और सी टू और कॉन्स्टेंट और इसमें भी उन्होंने एक शर्त लगाई कि जहाँ पर लैम्डा का मान जीरो से लेकर कहाँ तक है लैम्डा एन। ठीक है ना, क्योंकि ये जो समीकरण है केवल यही तक कहाँ तक केवल यही तक इस समीकरण को या इस सॉल्व को प्रोसीजर को सॉल्व करता है केवल यही तक इस सॉल्व को प्रोसीजर को सॉल्व करता है जहाँ ई लैम्डा का मान मैक्सिमम कहाँ से करता है वहां तक बीम का जो नियम है इसे हमको फॉलो करते हैं। ठीक है ना, प्रोसीजर है इसमें।